12 के करीब जो रिपोर्ट हुई थी और पीएम सेक्रेटरी के थर्ड फ्लोर पे ये बाथरूम के डक्ट में जो है ना वो धुआं आना शुरू हुआ था जो ट्रेवल करके ऊपर छठे फ्लोर तक गया और उसके बाद जो है ना उसकी जो है ना वो बदबू वगैरह आनी शुरू हुई तो विद इन टू मिनट्स कपल ऑफ मिनट्स इसको डिटेक्ट करके और पीएम उस वक्त ऑफिस में थे एक मीटिंग चेयर कर रहे थे तो उनको इन्फॉर्म किया गया उन्होंने कहा कि इसकी इंटेंसिटी को देखें उसके बाद दोबारा उन्हें कहा गया कि जी धुआं काफ़ी फैल रहा है आपको नीचे और फिर उन्होंने कहा कि सारे स्टाफ को भी जो बाकी लोग भी हैं उनको भी इवैक्यूएट किया जाए और विद इन इंटरनल सिस्टम से ही आग को काबू पा लिया गया कोई सीडीए वगैरह जो लोग आ गए लेकिन वो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन विद इन हाफ एन आवर जो है ना वो सारी चीज़ को काबू अब मुकम्मल तौर पे आप काबू में नुकसान तो नहीं हुआ कोई नुकसान नहीं हुआ कोई ऐसी अभी तक इतला नहीं है कोई ऐसा खतरा और खदशा अभी तक उसकी इंक्वायरी होगी अभी वजूहात का जो है ना वो डिटर्मिनेशन नहीं हो सकी लेकिन अभी उसको इंक्वायरी होगी तो फिर पता चलेगा प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ है सर प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है यहाँ तो वो ऑफिस से चले गए थे तो इस वक्त मेरे रेलवे नहीं है कि वो चले बेग साहब ये बताएं कि इतने बड़े सेंसिटिव जगह पर इंतहा के लामहदूद इंतजाम किए जाते हैं इंतहाई मौसर इंतजाम किए जाते हैं इस तरह का हादसा लगना तमाम उन इंतजाम पर जो अरबों रुपए खर्च किए जाए सवालिया निशान नहीं लग गया देखिए ये विद इन कपल ऑफ मिनट्स ये डिटेक्ट हो गया था और इंटरनल सिस्टम से ही इसको काबू पा लिया गया एक्सटर्नल हेल्प की जो फैसिलिटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी बहरहाल ये जो है इसकी इंक्वायरी होगी कि इसमें किस वजह से हुआ लेकिन किसी किस्म का अभी तक जो इतलात हैं कि किसी किस्म का कोई नुकसान जो है ना इन्फॉर्म नहीं किया वो कोई रिकॉर्ड रूम वगैरह कोई इस तरह की चीज़ अभी तक कोई ऐसी कोई अभी तक कोई इतलात नहीं है दफ्तर था या कोई खाली कमरा था ये बाथरूम कमरे में आग नहीं लगी बाथरूम से स्मोक आया कमरे में आग नहीं लगी थैंक यू सर बहुत शुक्रिया